स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। घर से अगर बाहर जा रहे हो तो हो जाएं सावधान। आपके घर पर चोरों की है पैनी नजर। जरा सी चूक हुई तो आपका घर हो सकता है खाली। ताजा मामला अम्बाला कैंट के प्रीत नगर का है, जहां एक दंपति किसी कारण से अपने घर को ताला लगाकर कहीं बाहर गया था। पीछे से घर में चोरों ने घर के एसी व अन्य सामान पर कर दिया हाथ साफ। चोरी की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। स्थानीय नागरिक बलविंदर सिंह सुबह कर रहा था सैर। उसको शक हुआ तो उसने चोरों को एसी के बारे में पूछा तो चोरों ने उसे बताया अपना। इसकी शिकायत महेश नगर थाने में की गई तो पुलिस जांच में जुटी और एक महिला को किया गिरफ्तार और कोर्ट में किया गया पेश। पूछताछ पर उसने बताया कि उसके साथ 3-4 और महिलाएं शामिल हैं। पीसीआर जो है ना पेट्रोलिंग पे थी और वहाँ कुछ पब्लिक के आदमी भी खड़े थे कि कुछ लेडीज जो है ना एसी वगैरह लेके जा रही हैं, तो उन पे शक हुआ कि ये जो एसी है इनका नहीं हो सकता। सस्पेक्ट वे में उनको कैच कर लिया, कैच करके उनसे पता लगा कि ये हम चोरी करके ले हैं। इन बिटवीन डॉक्टर नरेश सहगल ने कंप्लेंट दी कि मेरे घर मेरे फादर की डेथ होगी, मैं कहीं और रहता हूँ
और मेरे एसी वगैरह चोरी हो गए, तो उसकी कंप्लेंट में हमने मुकदमा दर्ज किया। बाला देवी लेडीज को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की गई, उसने कहा कि भी दो तीन लेडीज और साथ थी जिसकी धरपकड़ जारी है। इसमें एक लेडीज को महिला की हेल्प से हमने गिरफ्तार किया, उसको कोर्ट में पेश किया जो जुडिशल में है। अभी चार पांच लेडीज और बाकी हैं और उनको हम जो है ना। सर मेरा नाम बलविंदर सिंह है, मैं यहाँ सैर करने जा रहा था तो यहाँ देखा कि छह लेडीज और एक जेंट्स यहाँ से कुछ सामान लेके जा रहे थे, तो मुझे शक हुआ कि हाँ उस बुनियाद पे मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, तो देखा उसमें एसी थे, तो मैंने पूछा भाई ये एसी कहाँ से लेके आए, कह रही हमारे हैं। तो मैंने फ़ोन जैसे ही निकाला, उनको शक हुआ कि मैं पुलिस वालों पे फ़ोन कर रहा हूँ, तो वो एकदम ही हड़बड़ा गई और उसमें दो लेडीज़ एसी घेर के भागने लगी, तो मैंने एकदम ही उनका पीछा किया और उसका एक लेडीज़ को काबू कर लिया, और उस जिसके अंदर से पाँच लेडीज़ एक जेंट्स तो फरार हो गए थे, बाकी एक मौके पे हमने पकड़ ली थी। और फिर मैंने पुलिस वालों पे फ़ोन किया मेशनगर थाने में, वो यहाँ पे आए, फिर उनके हाथ यानी हवाले मैंने वो लेडीज़ कर दी थी। सर पुलिस वालों ने बोला था कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है जी, और बाकी जो भी और लेडीज़ है बची भी है और एक जेंट्स बचा हुआ था जो रेड कलर का, पहले भी ये वारदात हुई थी यहाँ पे, उसमें रेड कलर का ई रिक्शा था, वही सेम ई रिक्शा कल भी था यहाँ मौजूद, और वो पुलिस वाले बोल रहे थे कि हाँ हम आगे कार्रवाई करते हैं, इनको भी पकड़ते हैं। सर जहाँ तक बाद में पता लगा था कि इसमें दो विंडो एसी थे, दो स्प्रिट थे, तीन स्टेपलेजर थे और छत के पक्खे थे, बाकी और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान था कि अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, बाकी यह है कि और भी काफ़ी सामान था जो उन्होंने काफ़ी यानी कम से कम चार पाँच चक्कर काटे हैं जो सीसीटीवी कैमरे में फोटेज में रिकॉर्ड हुए हुए हैं, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग हमने पुलिस वालों को भी दे रहे हैं हम। मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं विश्वकर्मा कॉलोनी सकेत हॉस्पिटल के पास रहता हूं मैं। ये जो चोरी की वारदातें हो रही है, ये तो पहली चोरी नहीं है, यहाँ मेशनगर थाने वालों को ना पता ना हो उस बात का, सब पता है उनको। इसके बारे हमने एसपी साहब के साथ एक वीटी भी करवाई थी यहाँ पे, जिसमें कम से कम 250-250 पुलिस वाले थे, पूरी वीटी हुई, उस टाइम हमने पकड़ के इनको बताया, सारी वीडियो भी दी थी इनको कि हमारी गाड़ियों की बैटरियाँ चोरी हुई थी, तीन गाड़ियाँ थी यहाँ पे, तीनों की बैटरियाँ चोरी हो गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, या हुई भी होगी हमारे को नहीं पता। अब उसके बाद इतनी बड़ी जो वारदात हुई है, ये लाखों रुपये का सामान गायब हो रहा कोठियों में से, तो इसका मतलब ये होगा कि आदमी अपने घर से बाहर ही नहीं जा सकता कहीं भी, क्योंकि जब तक पुलिस की सख्ती नहीं होगी तब तक ये चोरियाँ बंद नहीं होंगी। और जहाँ तक मेरा खुद का एक सवाल है कि शायद ये पुलिस वालों को सारा पता होता है कि कौन सा ग्रोह है काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा, हम बार बार उनको कहते हैं जाके कि ये ग्रोह है जी, इस ग्रोह को पकड़ा जाए, मगर हमने नहीं देखा कि कोई ग्रोह पकड़ा जाता है। और जो उनके साथ ई रिक्शा वाले चलते हैं, ये उनके परमानेंट है, ये इन चोरों के साथ जो चल रहे हैं ये परमानेंट इनके साथ काम कर रहे हैं। और मेरा तो पुलिस वालों से यही कहना है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनके ऊपर ऐसे पर्चे दर्ज किए जाए, कम से 4-5 साल तो बाहर ही ना आए, तभी चोरी की वारदातें कम हो सकती हैं। अदरवाइज अगर यही माहौल रहा, क्योंकि डर का माहौल है, आदमी कहीं दरवाजे बंद करके नहीं जा सकता, कहीं बाजार नहीं जा सकता, पीछे से चोरी हो जाएगी, क्या करेंगे उसके लिए बताओ।